वंदे मातरम, आप देख रहे हैं खबर गोवा महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। हम रहे या ना रहे कल जैसे शानदार गाने का कर लोगों के दिलों में उतरने वाले सिंगर के आज हमारे लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं और इस दुनिया से रुखसत कर गए हैं। केके का 31 मई की रात कोलकाता में एक कंसर्ट में तबीयत बिगड़ने के बाद निधन हो गया। थोड़ी देर में केके का अंतिम संस्कार किया जाएगा और वहीं बॉलीवुड से लेकर म्यूजिक जगत के सभी लोग उनको अंतिम विदाई दे रहे हैं। पुणे में आरक्षित सीटों पर ड्रॉ निकालने के बाद कई नगर सेवकों को झटका लगा है। दरअसल पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका में 46 वार्ड से 139 नगर सेवक चुने जाएंगे। इनमें से 69 पुरुष और 70 महिलाओं को चुना जाएगा, जिसके बाद यह साफ हो गया है कि इस बार महानगर पालिका में महिलाओं का रुतबा काफी ज्यादा होगा। पिंपरी के राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता से बात करने और चुनावी तैयारियों को देखने के लिए खुद उप मुख्यमंत्री अजीत पवार कल सुबह 7 बजे पिंपरी आने वाले हैं। पिंपरी के मनापा कार्यालय में वो पहुंचेंगे और जानकारी ये है कि राष्ट्रवादी के पिंपरी चिंचवड़ शहर अध्यक्ष अजीत वहां पर पहुंचेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और नेता राहुल गांधी को तलब किया है। इस पर शिवसेना नेता संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा है कि जल्द ही एजेंसी की तरफ से एक नोटिस नेहरू स्मारक पर भी पहुंचेगा। आपको बता दें कि जांच एजेंसी ने कांग्रेस नेताओं को 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवारों पर भी चर्चा की। मंत्री हो, MLA हो, MP हो, मंत्री को अंदर डाल सकते हैं बिना किसी सरकार को। बात रही नेशनल हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड एक पंडित नेहरू की ऐसी संस्था थी जो देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना खुद का हथियार अखबार रहे अल्पसंख्यकों के खिलाफ, इसके लिए संस्था बनाई। मुंबई में शिवसेना नेता दीपाली सैयद ने औशीवरा पुलिस स्टेशन में बीजेपी की महिला नेता उमा खापरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। दीपाली सैयद ने कहा है कि उमा खापरे ने उन्हें घर में घुसकर मारने की धमकी दी थी, इसलिए वो उमा खापरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा रही हैं। ये खिलाफ है भाजपा, जिस तरह से गंदी राजनीति कर रहा है भाजपा की, आज जिस तरह से शुरुआत की है भाजपा ने, आज उनकी एक कार्यकर्ता है उमा खापरे करके, उन्होंने खुलेआम प्रसार माध्यम में मुझे धमकी दी है कि मैं मेरे घर पे घुस के मुझे मारेंगे, शिवसेना भवन में घुस के मारेंगे। तो ये जो तरीका है इनका, और सबसे बड़ी बात तो ये ऐसा कोई जो लेके आता है, जैसे वो राणा आई, उन्होंने कहा कि हम मातोश्री में घुस के, अंदर घुस के हम हनुमान चालीसा पठन करेंगे। तो ये घुसना मारना, ये जो शब्द है इनके, इनको यही इसी तरीके की राजनीति आती है क्या? उनको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में इधर सुव्यवस्था कायदा नहीं है? सबसे बड़ी बात तो शुरुआत ये लोग करते हैं, भाजपा के जो भी नेते लोग हैं इनको पता नहीं चल रहा कि वो क्या कर रहे हैं। किरीट सोम्या हो, चंद्रकांत दादा पाटिल हो, या फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस, इनकी मिसेस अमृता फडणवीस, ये तो आती है उनके लिए महाराष्ट्र के CM जो पद है वो सर्वोच्च पद नहीं है इनके लिए, महाराष्ट्र का पद इनके लिए PM बहुत सर्वोच्च पद है। PM भी हमारे लिए सर्वोच्च है, पर हमारा महाराष्ट्र के CM भी उतने सर्वोच्च पद है। नासिक के कई परियोजना प्रभावित किसानों के जमीन घोटाले की जांच की अनुमति मांग को लेकर अब नासिक से दिल्ली के राष्ट्रपति भवन तक एक ट्रैक्टर रैली निकाली जानी थी, लेकिन इस रैली के पूर्व सूचना मिलते ही नासिक के अंबर पुलिस थाना अधिकारी भगीरथ देशमुख ने रैली के ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। और बताया जा रहा है कि पुलिस ने रैली की अनुमति नहीं दी और उसी के चलते रैली को रोका गया। साथ ही परियोजना प्रभावित किसान बचाव संघर्ष समिति के अध्यक्ष साहेब राव दातिर को पुलिस ने हिरासत में लिया और महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम और अन्य विभागों के साथ बैठक का वादा किया है। आपको बता दें कि इस रैली में काफी संख्या में किसान शामिल होने वाले थे, लेकिन पुलिस ने रैली को रोक दिया है। किसानों ने कहा कि अगर समय रहते यह बैठक नहीं हुई तो फिर से रैली निकाली जाएगी।
नासिक में देश के पहले उपभोक्ता जागरूकता केंद्र की स्थापना की गई है। दरअसल उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचाने के लिए इस केंद्र की स्थापना की गई है। इस दौरान जिले के पालक मंत्री छगन भुजबल, वैध मापन शास्त्र विभाग के नियंत्रक रविंद्र कुमार सिंगल समेत कई लोग मौजूद रहे। इस केंद्र के माध्यम से उपभोक्ताओं का ऑनलाइन पंजीकरण किया जा रहा है। इस केंद्र में वीडियो, ऑडियो और मनोरंजन के दूसरे साधनों के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और वहीं अहमदनगर के आपे गांव में घर की छत पर सो रहे बुजुर्ग दंपत्ति के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और वहीं इनकी हत्या हुई है या फिर आत्महत्या हुई है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। पुणे से सटे पिंपरी चिंचवड शहर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल खेल खेल में एक 8 साल के बच्चे ने खुद को फांसी लगा ली। आपको बता दें कि अपने मोबाइल पर हॉरर फिल्में देखकर रुचि रखने वाला मासूम बच्चा खेल खेल में गुड़िया को फांसी देने के बाद खुद भी अपने गले में रस्सी लगाकर खुदकुशी उसने कर ली। और इस खबर को सुनकर अब शहर में रहने वाले परिवारों के बीच में डर का माहौल बन गया है। वहीं घटना की जानकारी स्थानीय पड़ोसियों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर माध्यम के लिए भेज दिया है। और इसी बीच उनके सामने यह जानकारी आई है कि हॉरर फिल्म में देखकर ही बच्चे ने ऐसी हरकत को अंजाम दिया। मामला ऐसा है कि वाकड़ थाने के अंदर 29 तारीख को रविवार के दिन सुबह दोपहर करीबन 2:30 बजे एक वॉचमैन के रूम में, उनका ही वॉचमैन का एक बच्चा था 8 साल का, उसने जो खिड़की थी उसको रस्सी लगाकर सुसाइड किया है, मतलब सुसाइड हुआ है उसका। तो हम इमीडिएट उसको हॉस्पिटल में लेके गए, उसके सगे वाले और ये, तो वहाँ पे वो डेड डिक्लेयर किया, हम लोगों ने मर्ग दाखिल किया है, आगे का इंक्वायरी चालू है। महाराष्ट्र के नासिक में पिछले 14 दिनों से 7 अलग अलग हत्याओं के मामले आने से शहर में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि पाइपलाइन क्षेत्र में चोरी किए गए माल के बंटवारे को लेकर दो चोरों के बीच में हुए विवाद में एक चोर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद हाथ में छुरी लेकर भाग रहे हत्यारे को ड्यूटी पर निकली महिला पुलिसकर्मी ने देखा और आशंका होने पर उसको रुकने के लिए कहा, लेकिन वो भाग निकला। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नासिक के पुलिस कमिश्नर ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए घटना स्थल का मुआयना किया है और मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही महिला पुलिस कर्मी की बहादुरी की सराहना करते हुए उन्हें एक विशेष रिवार्ड देने की घोषणा की गई है। नाला सोपारा में पेलहार पुलिस ने एक ऐसे ग्रोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है जो अपनी प्रेमिकाओं को घुमाने के लिए बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। और बताया जा रहा है कि ये लोग वसई विराट पार्क में बाइक चोरी के मामले में फरार चल रहे थे। पेलहार पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने बताया कि इन आरोपियों के पास से चोरी की 7 बाइक और एक ऑटो रिक्शा बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी है। सदरच्या गुन्ह्यामध्ये एकूण 4 आरोपी अटक करण्यात आलेले आहेत। त्यांच्याकडून 7 मोटरसायकल आणि 1 ऑटो रिक्षा जप्त करण्यात आलेली आहेत। यापैकी 3 वाहने हे पेल्हार पोलिसांचे आहेत, 3 वाहने वाली पोलिसांचे आहेत आणि 2 माणिकपूर पोलिसांचे आहेत। आणि याच्यात एकूण 4 आरोपी यांना अटक करण्यात आलेली आहे। सदरची कारवाई वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक श्री चौगले साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली गढ़चिरौली में SRPF के जवान ने पहले एक साथी जवान को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है और वहीं गोलीबारी के पीछे की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुणे के ससुन अस्पताल के डेटा ऑपरेटर पर पैसे लेकर जाली हैंडीकैप सर्टिफिकेट देने का मामला सामने आया है। ससुन के प्रभारी वैद्यकीय अधिकारी ने अब
पंड गार्डन पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है। और आपको बता दें कि सर्टिफिकेट होने से कई सरकारी सुविधाएं मिलती हैं। सरकारी सुविधा प्राप्त करने के लिए सरकारी हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट मिलना जरूरी है। हैंडीकैम्प होने की जांच के बाद ही अब सर्टिफिकेट दिया जाता है और हॉस्पिटल में आपको बता दें जो विभाग है उसकी ओर से इसको जारी किया जाता है। इस विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर सचिन बाजारे ने सांगसी को जाली सर्टिफिकेट दिया और उसके बदले पैसे लिए और वहीं इस पूरे मामले की जाँच की जा रही है। एक ब्रेक ले, आप रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। दिल्ली में 20 साल से चल रहे रोटी आंदोलन को किसानों ने अपना समर्थन दे दिया है और देश में चल रहे रोटी आंदोलन को आगे बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि रोटी आंदोलन की शुरुआत पंडित शिव शर्मा ने 20 साल पहले की थी और अब देश के कई राज्यों में रोटी आंदोलन अपना काम कर रहा है, जिसका गरीब लोगों के पेट तक रोटी पहुंचाने का बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। साथ ही पंडित सुखवीर शर्मा ने बताया कि कोरोना काल में रोटी आंदोलन से मजदूर और गरीब लोगों को बहुत लाभ पहुंचा है। इसी के चलते आज रोटी आंदोलन देश के कोने कोने में काम कर रहा है। आंदोलन के बारे में गरीब चाहे किसी जाति का हो, कमजोर किसी जाति का हो, मेरे लिए वही जीवन का एक लक्ष्य है कि उनके तकलीफ में रहने नहीं दूंगा। कि सबसे पहली कड़ी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आवाज दी कि मैं जीरो टॉलरेंस करप्शन के बारे में चाहता हूँ। इस देश में करप्शन की जो जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। प्रदेश की महिला अध्यक्ष होने के नाते इनके कार्य में सदैव साथ हूँ। दूसरा, हमने आज ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर के द्वारका प्रोग्रेसिव क्लब के साथ एक कैंपेन शुरू किया है, क्योंकि 1 जुलाई से दिल्ली और आसपास के NCR में प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन हो रहा है और उसके लिए हमने सबसे पहले शुरुआत की है। महिलाओं ने, द्वारका की महिलाओं ने मिलकर के इस कैंपेन को शुरू किया है। बहुत सारी हमने द्वारका में और नजफगढ़ में रैली शुरू की है लोगों को जागरूक करने के लिए और उसमें पंडित जी का सहयोग भी हमें बहुत मिल रहा है, जिसमें हमने ये अल्टरनेट प्रस्तुत किया है कि हम प्लास्टिक की थैलियों को ना यूज़ करें और अपने घर से ही इस तरीके के कपड़े के बैग हम लोग लेकर के चले। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी अविनाश पांडे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच में महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक में 9 सदस्य समन्वय समिति के गठन का फैसला हुआ है और इस फैसले के अध्यक्ष झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन होंगे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि गठबंधन में समन्वय और संवाद को और बेहतर बनाने के लिए इस समन्वय समिति का गठन हुआ है। ये समिति राज्य सरकार की तरफ से की जाने वाली राजनीतिक नियुक्तियों का फैसला करेगी और राज्य सरकार के जनहितैषी योजनाओं के क्रियान्वयन समेत प्रचार प्रसार की समीक्षा भी करेगी। साथ ही साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के संदर्भ में फैसला लेगी। तो किस तरीके से ये जो समिति होगी ये काम करेगी, समिति सदस्यों के जो नाम है वो आपको बता देते हैं, क्योंकि इसके नामों का ऐलान हो गया है। आलमगीर आलम कैबिनेट मंत्री झारखंड, राजेश ठाकुर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष झारखंड और सत्यानंद भोक्ता कैबिनेट मंत्री झारखंड के, सरफराज अहमद JMM विधायक, बंधु तिर्की पूर्व विधायक, फागू बेसरा, विनोद पांडे, योगेंद्र महतो, ये वो सभी लोग हैं जो कि इस समिति के सदस्य हैं। फर्जी केस दिखाकर 108 और 102 एम्बुलेंस वाहनों के जरिए किए जा रहे फर्जी बाड़े की जांच अंबेडकर नगर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से शुरू नहीं हो सकी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि यह मामला संज्ञान में आया है लेकिन हमें कोई आदेश नहीं मिल पाया है, जब आएगा तब 108 और 102 एम्बुलेंस मामले की जांच पड़ताल शुरू की जाएगी। एक तरफ फर्जी बाड़ा मामले को लेकर सरकार जहां जांच कराने को लेकर गंभीर है, वहीं जिले के स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। इस जांच की निष्पक्षता का आकलन इसी बात से किया जा सकता है कि 19 मई और 20 मई 2022 को डीजी हेल्थ द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी CMO को भेजे गए पत्र से पता चलता है कि शासन ने इस हाई प्रोफाइल फर्जीबाड़े की जांच की रिपोर्ट 1 सप्ताह में संबंधित जिलों से मांगी थी, लेकिन अभी तक अंबेडकर नगर जिले में इस जांच के लिए कोई भी टीम का गठन नहीं किया गया। और जब भी आदेश आएगा तो हम उनकी 102 और 108 की पूरी जांच करके देखेंगे कि हमारे यहाँ एवरेज सही है या फिर वो उसमें कुछ गलती है।
प्रथम दृष्टया क्या इस पर आपने अंबेडकर नगर पे कुछ वाच किया है क्या? मैंने देखा है, हमारे यहाँ तो एवरेज सही है। और जो 102 गाड़ी में, चूँकि पेशेंट के साथ साथ उस जो वो गर्भवती माँ होती है उसके बच्चे का भी जुड़ जाता है, और कभी कभी अटेंडेंट भी आ जाते हैं। संभल में बिजली विभाग के जेई ने व्यवसायी को कार्रवाई का डर दिखाकर उससे अवैध वसूली करने की कोशिश की है, लेकिन कैमरे के डर से वसूली की रकम को लौटा दिया है। पूरा मामला जिले के असमोली का है, जहां पर जेई ने व्यापारी से 30,000 रुपए की वसूली की, जिसके बाद व्यवसायी ने स्थानीय लोगों और मीडिया कर्मियों को बुलाकर जमकर हंगामा किया और जेई ने कैमरे के सामने वसूल की गई रकम को वापस कर लिया। हालांकि इस दौरान कुछ अधिकारी जेई के बचाव करते हुए नजर आए। फिरोजाबाद में होटल में गैस लीक होने की वजह से भीषण आग लग गई है, जिससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। और बताया जा रहा है कि होटल के अंदर भरे हुए सिलेंडर रखे हुए थे। सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और बड़ा हादसा होने से बच गया। ये LPG से आग लगी है, LPG गैस लीक हुई है। ये होटल है, 2 LPG के बड़े सिलेंडर इसमें रखे हुए थे, तुरंत आकर के बुझा ली, नहीं तो भयंकर हादसा हो सकता था। तो फायर ब्रिगेड जरा भी लेट होती तो भयंकर हादसा हो सकता था। 2 सिलेंडर LPG के बड़े रखे थे। तो क्या क्या नुकसान हुआ है होटल वाले का? नुकसान तो कोई खास नहीं है, प्लास्टिक के टब वगैरह बर्तन वर्तन जले हैं और वह कोई खास ज़्यादा नुकसान नहीं है। लकड़ी वकड़ी जली है, बगल में एक खोखा है वो जला है, आदमी का भी अंदर ना होता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वाहन चोरी का सिंडिकेट चलाने वालों पर पुलिस का शिकंजा कसा जा रहा है और इसी के तहत मेरठ में गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई। साकिब उर्फ गद्दू गैंग के सदस्य शान मोहम्मद के घर पर कुर्की की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई और आपको बता दें कि लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के समर गार्डन इलाके में 50 लाख की कीमत के मकान पर पुलिस ने सील कर दिया है। पुलिस ने साकिब गैंग के 6 लोगों पर अब तक कार्रवाई की। जानकारी के मुताबिक आरोपी शान मोहम्मद 5 मुकदमों में पुलिस की गिरफ्त में था। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है। हापुड़ में तेल मिल व्यापारी के मिल और घर पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की है और इस दौरान इनकम टैक्स अधिकारी आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों में पहुंचे और व्यापारी के दस्तावेज खंगालने लगे। आपको बता दें कि छापेमारी रविंद्र ऑयल ब्रांड नाम की मिल से हो रही है। तो तेल मिल है जहां पर छापेमारी की जा रही है, घर और मिल पर छापेमारी की जा रही है। इनकम टैक्स की बड़ी छापेमारी के तौर पर इसको देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ का ये पूरा मामला है जहां पर मिल में छापेमारी की गई है और बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप इसमें बताए जा रहे हैं। इनकम टैक्स की ये छापेमारी है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। इनकम टैक्स के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, उसके बाद घर और मिल दोनों पर ये छापेमारी की गई है। बड़ा सिंडिकेट यहाँ पर हो सकता है। इनकम टैक्स की बड़ी छापेमारी के तौर पर इसको देखा जा रहा है। परिवार के लोग यहाँ मौके पर मौजूद हैं क्योंकि घर पर भी छापेमारी की गई है और मिल पर भी ये छापेमारी की गई है और यही वजह है कि यहाँ पर अधिकारी भी नजर आ रहे हैं और जो घर के सदस्य हैं वो भी नजर आ रहे हैं। जो आसपास के लोग हैं उनसे भी यहाँ पर पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है। मसूरी में बीजेपी महिला मोर्चा ने गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया। ये आयोजन मसूरी के राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में किया गया, जिसका शुभारंभ राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम ने दीप प्रज्वलित करके किया है। इस मौके पर दुष्यंत कुमार गौतम ने मोदी सरकार के 8 साल को बेमिसाल बताते हुए कहा कि मोदी सरकार ने देश को दुनिया के पहले स्थान पर खड़ा कर दिया है। भारत विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सेना को सशक्त और मजबूत बनाकर सेना को नई तकनीक के हथियार उपलब्ध कराए हैं और भारत देश सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश बन गया है। सरकार के 8 साल बेमिसाल हैं। वैसे तो हमने हर वर्ष 1 साल बेमिसाल अनेकों अनेक समय पर हमने अपना रिपोर्ट कार्ड रखा है। ये पहली सरकार है
जो जनता के बीच में हर साल रिपोर्ट कार्ड लेकर जाइए। 8 साल पूरे हो चुके हैं, 8 साल के अंदर जिस प्रकार से एक वैभवशाली भारत का निर्माण हमने करने की बात कही है उसमें काफ़ी हम आगे बढ़े हैं। चाहे आतंकवाद की बात हो तो आतंकवाद मुक्त हमने शासन दिया है, भ्रष्टाचार की बात हो तो हमको एक ऐसे नेता मिले हैं देश के प्रधानमंत्री, आज भी उनकी माँ 10x10 के कमरे में रहती है। अगर कांग्रेस से कंपेरिजन करें तो आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी 5,000 करोड़ के घोटाले पे जमानत पे छूट के बाहर घूम रहे हैं। महोबा में बिजली विभाग की लापरवाही से कई दुकानें जलकर राख हो गई हैं और आपको बता दें कि करबई ब्लॉक सभागार के बाहर किराए की दुकान समेत 4 दुकानें जलकर राख हो गई हैं और वहीं इस भीषण अग्निकांड से पीड़ित दुकानदारों में गुस्सा देखा गया। बताया जा रहा है कि घटना कोतवाली इलाके के करबई ब्लॉक के बाहर की है। आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के महोबा की तस्वीरें हैं जहां पर आग लगी है। बिजली विभाग की लापरवाही इसमें बताई जा रही है आग लगना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से अनुशंसित पदाधिकारियों के बीच में नियुक्ति पत्र बांटे और इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं सीएम सोरेन ने कहा कि राज्य में सरकार गठन के बाद से ही यहां के किसानों को समृद्ध बनाना सरकार की प्राथमिकता रही है। झारखंड की मिट्टी में ऐसी ताकत है जो कि हर तरीके की फसल को उगा सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के बाद कृषि के क्षेत्र में जो कार्य होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए हैं। आज किसान सरकार भरोसे नहीं बल्कि कि भगवान भरोसे है। आज पहले मुझे लगता है राज गठन के बाद छोटे बड़े नियुक्तियां हुई होंगी। हमने कहा इस बार नियुक्ति नहीं, शपथ ग्रहण के साथ नियुक्ति करेंगे। इस राज के लिए, हम सब के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। आज हम लोगों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, अगर बसरते इस राज की व्यवस्था को हम बिल्कुल मजबूती प्रदान करें। हमारी प्रयास है कि आप सब लोग ठीक ठाक से काम करें, लेकिन हम लोगों को रुकना नहीं है, चलते जाना है और अपने लक्ष्य को हासिल करना है। बहादुरगढ़ के फन टाउन वाटर पार्क में झूला टूटने से एक ही परिवार के 3 मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना में 3 बच्चों के सिर, पैर और हाथों में गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद घायल बच्चों को बहादुरगढ़ के डीडी के अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनकी हालत चिंताजनक बताई है। हादसे के बाद पार्क प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई और बताया जा रहा है कि हादसा होते ही वाटर पार्क के कर्मचारी मौके से फरार हो गए। घायल मासूमों को ना तो मौके पर एम्बुलेंस चिकित्सा सहायता मिली और ना ही सेफ्टी उपकरण मिले। घटना के बाद परिजनों ने हादसे के दोषी वाटर पार्क प्रबंधन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है और बच्चों को उचित इलाज मुहैया कराने की मांग की है सरकार से और प्रशासन से। असौदा में स्थित एक फन टाउन के प्लैटिना रिजॉर्ट के नाम से एक रिजॉर्ट है जिसकी इंफॉर्मेशन ट्वीट की गई थी सीएम ट्विटर हैंडल पर भी और हमारे ट्विटर हैंडल पर भी एडमिनिस्ट्रेशन के, और इसमें सूचना ये प्राप्त हुई है कि 3 बच्चे, 3.5 साल की बच्ची, 11 साल की बच्ची और 7 साल का बच्चा, इन सबको कोई झूला झूलते हुए ट्रेन में झूलते समय उनको गंभीर चोटें लगी। एक बच्चे को सिर में सीवियर हेड इंजरी हुई है, दूसरे बच्चे को भी हेड इंजरी हुई है, वो थोड़ी कम सीवियर है। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। We'll be right back.